इंतजार करे मिस दुनिया मिस दुनिया मिस दुनिया मिस दुनिया मेरे लिए आए परे आंख में घुमार करे मिस दुनिया मिस दुनिया मिस दुनिया मिस दुनिया मैं दुनिया के शहजादे सारी दुनिया घूमूंगी हर दिल की धड़कन को छूऊंगी न्यूज़ के साथ मैं हूं सहाफिया बल्कीस, क्योंकि हम रखते हैं अंदर की खबर पर नजर। गुज़श्ता दिनों हीथ्रो एयरपोर्ट पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज को तलाशी के सख्त तरीन मरहले से गुजरना पड़ा। जी वकास जी जनाब, यहाँ तो वो बगैर तलाशियों के गुजर गए थे, मगर वहाँ पकड़े गए। पकड़े गए क्या मतलब? हुआ ये कि जब वो दुबई जाने के लिए सिक्योरिटी चेकिंग के लिए गए तो सिक्योरिटी आलात ने आवाज देना शुरू कर दी। आलात कहीं पाकिस्तानी तो नहीं थे? उन्हें पहचान ना गए हों? हो भी सकता है, वैसे वो सिर्फ एक हैंड कैरी बैग के हमराही थे। फिर वहां मौजूद सियाफ आम सिक्योरिटी एहलकार ने जब टीटी की आवाज सुनी तो बोला इधर आओ ना जरा। बेचारे शौकत अजीज, इनकी घड़ी अंगूठी बेल्ट जूते हत्ता के जराबे भी उतरवा ली। बटवा भी चेक किया होगा? बटुआ भी ले लिया जनाब, और तो और जिस पेन से वो पाकिस्तानी कौम के फैसले करते थे वो पेन भी ले लिया उन्होंने। अब किसी ने उन्हें बताया नहीं कि पाकिस्तान के वजीरे आजम के तौर पर मौज कर चुके हैं? बताया था, जब ही तो उनकी तलाशी हुई बल्कीस। अच्छा व्यूअर्स, हम चलते हैं मिस दुनिया के घर, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। मैंने कहा कल का खाना खा लोगे? कहने लगा हाँ हाँ क्यों नहीं। मैंने कहा ठीक है बेटा, कल आके खा लेना फिर। That's so bad. Oh, बेल बजिए, देखो कौन है। फिर वही फकीर होने, बड़ा कुछ ढीठ आदमी है, इसको तो IMF के पास भेजना चाहिए, बहुत कुछ मांग के लाएगा। क्या ख्याल है रीटा कि शेख रशीद साहब को हमदर्दी का वोट भी नहीं मिला? मैम वोट बहुत तेज है, हम तो खाम खाम में उसके बारे में अंदाजे लगाते रहते हैं और वोटर की सेंसिबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। क्या मतलब? मैम हमारी इंतखाबी सियासत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हुसैन, दरवाजे पे कौन था? प्रोफेसर साहब। तुमने बताया क्यों नहीं? उनको देख के ना मुझे वासियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये भैया बहुत बुरी बात है। हुसैन कहाँ है प्रोफेसर साहब? वो लाउंज में तशरीफ फरमा है। Let's go. वो इलेक्शन कमीशन के आदाद और शुमार के मुताबिक पंजाब असेंबली के अरकान के असासों की तफसीलात भी मंजरेआम पर आ गई हैं। जी वकास। असासों की बात करती हो, दिल जलाने की बात करती हो। बी सीरियस वकास, तुम्हें पहले भी वार्निंग मिल चुकी है, याद है ना? तो कोई उन्हें वार्निंग क्यों नहीं देता जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को सरमाया पाकिस्तान लाने की दावत देते फिर रहे हैं और अपने असासे दुनिया भर के बैंकों में जमा कर रखे हैं। तकरीर मत करो, रिपोर्टिंग करो प्लीज। जी तो इन अदादो शुमार के मुताबिक खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब अमीर तरीन रुकने असेंबली हैं। वाओ, वो कैसे? इनके असासे ज्यादा हैं और मेरी याददाश्त छोटी है। फिर भी लंदन मरी शेखपुरा में जायदादें, फैक्ट्रियां, मिलने शुगर मिले, दो बीवियों के असासे अलग, रहने दो, पर्दा अच्छा ही होता है। पर्दे की क्या बात है वकास, तफसीलात तो वजीर आला साहब ने खुद जाहिर की है ना। बस ना पूछो, जो जर्रा जहां है आफताब है, और तो और इमानुल्लाह दरेशिक सबसे बड़े लैंडलॉर्ड हैं। जमींदार बल्कि जागीरदार, 7179 किनाल की जरिए राजी के साथ। लेकिन मजे की बात पता क्या है? क्या है? इनके पास इतनी जमीन है मगर गाड़ी इनके पास भी नहीं है। उनके पास गाड़ी कैसे हो सकती है? क्या मतलब? वकास, इस मुल्क के वजीर आजम के पास गाड़ी नहीं है, वो तो फिर एक मेंबर असेंबली ही है ना। जी नवाजिश, आपकी है नवाजिश, देखिए। आपकी है नवाजिश जानी, कल रात में एक शूटिंग पर थी, नोनो जानी हल्का 1-2-3 के जलसे पर नहीं गई थी, टीवी ड्रामा की शूटिंग थी, यू नो व्हाट,
पैकअप होने वाला था, हीरो को पुल से नहर में छलांग लगाना थी और वो डरते डरते बोला, ओह मुझे तैरना नहीं आता, मैं मर जाऊंगा। तो डायरेक्टर ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, ये ड्रामे का आखिरी सीन चल रहा है। जानिस, जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं और जिस तरह के ड्रामे बनाने वाले आ गए हैं, ये भी तो ड्रामों के आखिरी सीन्स ही चल रहे हैं ना। फिल्में बनाने वालों ने फिल्में बनाना छोड़कर तंजीमें बनाना शुरू कर दी हैं और ड्रामे वाले एसोसिएशन पे एसोसिएशन बना रहे हैं। जानिस, हमारे आज के मेहमान एक बहुत ही मशहूर प्रोड्यूसर हैं। कौन है खुद ही पहचान लेना। डार्लिंग आ जाओ ना। नवाजिश, अदाब, बैठो ना जानू। अब बहुत क्यूट लग रहे हो। एक तो तुम सच बहुत बोलती हो। एक चैनल पे ना 4 साल से पैसे फंसे हुए थे, उसमें से एक चेक लेके आया हूँ। इतने ड्रामे बना रहे हो तुम, ड्रामेबाज। तो बस बना ही रहा हूँ और चैनल वालों की सुन भी रहा हूँ।